सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क और मेन मेमोरी ये फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस हैं, और अगर हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड और इंटरप इनिशिएटेड मोड की बात करें तो इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो वाया सीपीयू के होता है अब क्योंकि मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क जैसे फास्ट ट्रांसफर डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है तो सीपीयू की स्पीड अपने आप में एक लिमिटेशन पैदा करती है फास्ट डेटा ट्रांसफर के फास्ट डेटा ट्रांसफर में तो अगर हम किसी भी तरीके से इस डेटा ट्रांसफर के बीच में से सीपीयू का रोल खत्म कर दें या रिमूव कर दें और जो पेरिफेरल डिवाइस है वो डायरेक्टली मेमोरी बस को मैनेज करने लग जाए तो जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इस टेक्निक में जो सीपीयू है वो डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट तो जरूर करता है लेकिन डेटा ट्रांसफर इनिशिएट होने के बाद जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है सीपीयू का मेमोरी के बसेस पे बसेस का कंट्रोल जो है वो डीएमए कंट्रोलर के पास चला जाता है जो कि उसे मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि फास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस है और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट सीपीयू को इस ट्रांसफर के बीच में आइडल स्टेट में भेजने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोकप्रिय तरीका है कि जिसमें स्पेशल कंट्रोल सिग्नल की मदद से माइक्रो प्रोसेसर की जो बसेस हैं उनको डिसेबल कर दिया जाता है अगर आप स्क्रीन पर यह चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें दो सिग्नल हैं बी आर दैट इज बस रिक्वेस्ट और बीजे इज बस ग्रांड इन दोनों कंट्रोल सिग्नल की मदद से हम सीपीयू से so जो बसेस का कंट्रोल है उसे रिलिंकविश या फिर छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जब भी डीएमए कंट्रोलर ये बस रिक्वेस्ट सिग्नल को सीपीयू को भेजता है यानी कि जब ये बीआर सिग्नल हाई स्टेट में होता है सीपीयू जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसे टर्मिनेट करता है और ये जो बसेस हैं, इनको हाई इंपिडेंस स्टेट में भेज देता है यानी कि अब इन बसेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, ये ओपन सर्किट बन गया, और उसके बाद CPU बस सिग्नल को हाई कर देता है जो कि सिग्नल है डीएमए कंट्रोलर के लिए कि अब सीपीयू की सारे जो बसेस हैं, वो हाई इंपीडेंस स्टेट में चली गई है इसके बाद जिस डीएमए कंट्रोलर ने बस रिक्वेस्ट भेजी थी वो इन बसेस को अब कंट्रोल कर सकता है मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी में या मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करने के लिए फास्ट रेट पे और इस डेटा ट्रांसफर में सीपीयू की अब कोई भूमिका नहीं रहती और जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है जो डीएमए कंट्रोलर है यह बस रिक्वेस्ट सिग्नल को डिसेबल कर देता है तो उसके बाद सीपीयू बस ग्रांड सिग्नल को डिसेबल कर देता है और इस जो बसेस हैं यहां पे इनका कंट्रोल वापस ले लेता है और उसके बाद जिस ऑपरेशन को उसने टर्मिनेट किया था उसे वापस प्रोसेस करने लग जाता है जिस समय डीएमए कंट्रोलर के पास बसेस का कंट्रोल रहता है तो वो डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है तो दो तरीके हैं एक है बस ट्रांसफर दूसरा है साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफर बस ट्रांसफर में पूरा ब्लॉक एक साथ ट्रांसफर होता है और साइकिल स्टीलिंग में सिर्फ बाइड बाय बाइड डेटा ट्रांसफर होता है जब हम बस ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं तो जो पूरा डेटा है वो पूरे ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होता है और एक बार जब कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाता है बसेस का तो जितना डेटा है पूरा ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद दोबारा सीपीयू को कंट्रोल दे दिया जाता है वापस बसेस का दूसरा मेथड है साइकिल स्टीलिंग ट्रांसफर जिसमें जो डेटा है वो बाइट बाई बाइट ट्रांसफर होता है इसमें जब भी डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजता है सीपीयू के पास बस का कंट्रोल लेने के लिए तो सीपीयू अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको कुछ समय के लिए डिले कर देता है और जो बसेस का कंट्रोल है वो वापस वो डीएमए कंट्रोलर को दे देता है फिर डीएमए कंट्रोलर उन बसेस का कंट्रोल लेके मेमोरी में एक बाइट डेटा ट्रांसफर करता है और वापस फिर कंट्रोल सीपीयू को दे देता है इस तरीके से सीपीयू अपना जो से टर्मिनेट नहीं करता कुछ क्षण के लिए डिले कर देता है और उस क्षणों में जो डीएमए कंट्रोलर है वो एक बाइट डेटा ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद दोबारा कंट्रोल दे देता है सीपीयू को ताकि वो जो अपना काम कर रहा था दोबारा करे और फिर कुछ देर बाद दोबारा सीपीयू को डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजता है दोबारा से उसको बस रिक्वेस्ट ग्रांट होती है और जो बस इसका कंट्रोल मिल जाता है फिर वो एक साइकिल को स्टील करके उसमें एक बाइट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करता है और वापस कंट्रोल सीपीयू को दे देता है अगर हम डीएमए कंट्रोलर की बात करें तो एक तरह से ये इंटरफेस ही है लेकिन इसमें इंटरफेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं डीए में कंट्रोलर भी एक तरह से इंटरफेस का काम करता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में इसमें इंटरफेस के अलावा नॉर्मल इंटरफेस सर्किट के अलावा एक एड्रेस रजिस्टर होता है एक वर्ड काउंट रजिस्टर होता है और एक कंट्रोल रजिस्टर होता है और इसके अलावा कुछ सेट ऑफ एड्रेस लाइंस भी होती हैं और एड्रेस रजिस्टर और एड्रेस लाइन के माध्यम से ये डीएमए कंट्रोलर मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है वर्ड काउंट रजिस्टर का काम है कि कितने वर्ड ट्रांसफर होने हैं उसका हिसाब ये रखता है और डीएमए कंट्रोलर के निर्देशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा का आदान प्रदान हो सकता है स्क्रीन में ये डीएमए कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है ये यूनिट सीपीयू से डेटा बस और कंट्रोल लाइन के माध्यम से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है इनमें से किसी भी रजिस्टर को सीपीयू इस डीएमए सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट लाइन के माध्यम से सेलेक्ट कर सकता है ये दो सिग्नल्स हैं डीएमए सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट दो बिट्स हैं दो बिट के कॉम्बिनेशन से आप चार रजिस्टर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इन बिट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन बिट को यूज करके डीएमए और रजिस्टर सेलेक्ट को यूज करते हुए सीपीयू इन किसी भी एड्रेस को जो यहां दर्शाए गए हैं डीएमए कंट्रोलर में इनको एक्सेस कर सकता है इसके अलावा यहां पे आपको रीड और राइट लाइंस भी दिख रही है जब ये बस ग्रांड सिग्नल जीरो होता है तो सीपीयू डेटा बस के थ्रू इन रजिस्टर को रीड या राइट कर सकता है इनमें जब ये बस ग्रांड सिग्नल लो होता है यानी जीरो होता है तो सीपीयू इस डेटा बस की मदद से इन रजिस्टर्स में रीड या राइट कर सकता है और जब ये बस ग्रांड सिग्नल वन होता है तब सीपीयू जो इन बसेस का जो अपना कंट्रोल होता है वो रिलिंक्विश कर लेता है यानी छोड़ देता है और डीएमए कंट्रोलर जो है वो मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग दिस एड्रेस बस बफर और एड्रेस लाइन के थ्रू तो उसको एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी की जिस लोकेशन में उसे रीड या राइट करना है उसका उसका एड्रेस यहाँ स्पेसिफाई करना है और एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है और रीड और राइट सिग्नल को का इस्तेमाल करता है रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एस डी एम ए कंट्रोल में तीन रजिस्टर दिखाए गए हैं एड्रेस रजिस्टर वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर मेमोरी से के जिस एड्रेस को एक्सेस करना है वो एड्रेस एड्रेस रजिस्टर के थ्रू एड्रेस रजिस्टर में वो एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है और मेमोरी की उस लोकेशन को एक्सेस कर लिया जाता है और वो एड्रेस बिट ये एड्रेस बस पफर के थ्रू एड्रेस बस में चली जाती है जो वर्ड काउंट रजिस्टर है तो जितने वर्ड्स आपको ट्रांसफर करने हैं वो वर्ड वो वैल्यू यहां लिख दी जाती है मान लीजिए आपको 20 वर्ड्स ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ 20 लिख दिया जाएगा और हर एक इंस्ट्रक्शन uh, को डेटा uh, को ट्रांसफर करने के बाद ये वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी और इसको इंटरनली इसको चेक करते, करते रहता है सीपीयू कि इसकी वैल्यू कब जीरो हो गई है तो जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी इसका मतलब जितने भी वर्ड्स ट्रांसफर करने थे वो मेमोरी में ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर मेमोरी से वो वर्ड्स इनपुट आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करने थे ट्रांसफर करने थे तो वो वर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं और जो ये कंट्रोल रजिस्टर है ये मोड ऑफ ट्रांसफर स्पेसिफाई करता है कि रीड ऑपरेशन होना है कि राइट ऑपरेशन होना है तो जितने भी ये रजिस्टर्स हैं ये तीनों डीएमए कंट्रोलर के इनको सीपीयू इंटरफेस रजिस्टर की तरह ही एक्सेस कर सकता है तो ये डीएमए ट्रांसफर होता कैसे है सबसे पहले जो सीपीयू है वो डीएमए को इनिशियलाइज करता है उसके बाद जो डीएमए है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करता है और तब तक करता रहता है जब तक पूरा ब्लॉक ट्रांसफर ना हो जाए तो आइए अब देखते हैं कि ये सीपीयू डीएमए को किस तरह से इनिशलाइज करता है सबसे पहले सीपीयू डेटा बस का इस्तेमाल करते हुए डीएमए को जो मेमोरी ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है उसका एड्रेस स्पेसिफाई करता है जहां से डेटा या तो रीड करना है या फिर राइट करना है उसके बाद वर्ड काउंट रजिस्टर को सेट करता है जिसमें कि वो बताता है कि कितने वर्ड्स ट्रांसफर करने हैं फिर ट्रांसफर मोड को सेट करता है यानी कि वो बताता है कि जो मेमोरी में रीड करना है कि मेमोरी में राइट करना है और उसके पश्चात जो DMA जो डेटा है उसे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ तो जब पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाएगा तो वर्ड काउंट रजिस्टर जीरो हो जाएगा तो CPU इस रजिस्टर को एक्सेस करके इसकी वैल्यू चेक करता रहता है जब ये जीरो हो गया तो वो स्टॉप कर देता है और जैसे ही ये इसके अलावा जो डीएमए कंट्रोलर है वो एक इंटरप्ट के माध्यम से एंड ऑफ ट्रांसफर का सिग्नल देता है सीपीयू क्यों जैसे कि आप यहां इस ब्लॉक डाइनर में देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटरप सिग्नल भी है ये इंटरप्ट सिग्नल जब ये वर्ड काउंट रजिस्टर जीरो हो जाता है यानी कि पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो इंटरप सिग्नल के माध्यम से सीपीयू को इंटरप्ट करता है और जैसे ही सीपीयू को इंटरप्ट करता है तो जो बस ग्रांट सिग्नल है वो लो हो जाता है और सीपीयू बस ग्रांड सिग्नल को लो कर देता है और जो बसेस हैं उनका जो कंट्रोल है अपने हाथों में ले, ले लेता है स्क्रीन में जो चित्र दिखाया गया है इसमें दर्शाया गया है कि डीएमए कंट्रोलर की पोजीशन सीपीयू और जो मेन मेमोरी है उसके बीच में पर होती है? सीपीयू जिस तरीके से इंटरफेस को एड्रेस बस और डेटा बस के माध्यम से एक्सेस करता है वैसे ही डीएमए कंट्रोलर को भी एक्सेस कर सकता है इस एड्रेस और डेटा बस की मदद से तो जब भी इस डीएमए कंट्रोलर से सीपीओ को कम्युनिकेट करना है तो उसका एड्रेस यहाँ पर इस एड्रेस बस में डालेगा जब भी डीएमए कंट्रोलर कंटिन्यूसली इस एड्रेस लाइन को मॉनिटर करता है और जब भी ये देखता है कि इस एड्रेस बस में उसका एड्रेस है वो ये डीएस और आर एस सिग्नल को इनेबल कर देता है जब इनेबल करेगा तो ये जो डीएमए यूनिट है डीएमए कंट्रोलर है ये एक्सेस किया जा सकता है ये इनेबल हो गया तो ये मेथड सेम है जैसे कि सीपीयू इंटरफेस को एक्सेस करता है डेटा बस के थ्रू सीपीयू डीएमए को इनिशियलाइज़ कर सकता है और जैसे ही डीएमए को स्टार्ट कंट्रोल कमांड मिलता है वो इनपुट आउटपुट पेरेफेरल और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट कर देता है जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस डीएमए रिक्वेस्ट भेजता है डीएमए कंट्रोलर को डीएमए कंट्रोलर बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है सीपीयू को जो कि सीपीयू के लिए सिग्नल है कि अब उसे इस बसेस का कंट्रोल चाहिए आप अपनी जो बसेस हैं, उनको रिलिंक्वेस्ट कर दीजिए यानी कि उनका कंट्रोल अब डीएमए को दे दीजिए उसके बाद जो डीएमए है अपना जो एड्रेस रजिस्टर में करंट वैल्यू को एड्रेस एड्रेस रजिस्टर की करंट वैल्यू को एड्रेस बस में डालता है और रीड या राइट सिग्नल को इनिशिएट कर देता है और डी और जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस ने डीएमए रिक्वेस्ट भेजी थी उसे डीएमए एक्नोलॉजमेंट सिग्नल भेज देता है अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहां पे जो रीड और राइट लाइन है डीएमए कंट्रोलर की यह बाई डायरेक्शनल है और ये किस डायरेक्शन में वर्क करेंगी ये डिपेंड करता है बस ग्रांड सिग्नल के स्टेटस पर जब ये बस ग्रांड सिग्नल जीरो होता है तो ये इनपुट लाइन की तरह रीड और राइट लाइन इनपुट लाइन की तरह यूज होती हैं और इनको यूज करता है सीपीयू डीएमए कंट्रोलर में जो रजिस्टर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए और जब ये बस ग्रांड सिग्नल वन होता है तो ये रीड राइट सिग्नल आउटपुट लाइन की तरह यूज होती हैं, जिन्हें डीएमए कंट्रोलर यूज करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को एक्सेस करने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए जब इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को डीएमए एक्नोलॉजीमेंट सिग्नल मिल जाता है तो ये जो डेटा बस है इसमें डेटा को प्लेस कर देता है अगर वो मेमोरी में राइट ऑपरेशन करना चाहता है और अगर वो मेमोरी रीड ऑपरेशन है तो जो यहां पर डेटा बस है उसके कंटेंट को रिसीव कर लेता है तो डीएमए कंट्रोलर रीड और राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और मेमोरी का वो एड्रेस स्पेसिफाई करता है जहां पर रीड या राइट ऑपरेशन होना है उसके बाद जो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है वो मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और सीपीयू का अब कोई भी रोल नहीं रहता और सीपी यू करने के बाद एड्रेस रजिस्टर इंक्रीमेंट होता है और वर्ड काउंट रजिस्टर डिक्रीमेंट होता है और डीएमए काउंट रजिस्टर को बार बार चेक करता रहता है और अगर वर्ड काउंट रजिस्टर जीरो नहीं होता तो वो फिर चेक करता है पेरिफेरल फेरे डिवाइस जो डीएमए रिक्वेस्ट का सिग्नल आ रहा है उसका स्टेटस चेक करता है और जो बहुत हाई स्पीड डिवाइसेस हैं उसमें जैसे ही एक वर्ड ट्रांसफर होता है दोबारा वो सिग्नल अपने आप हाई हो जाता है और फिर उसका स्टेटस चेक किया जाता है फिर डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसका रिक्वेस्ट स्टेटस चेक करता है वो दोबारा अगर बहुत हाई स्पीड डिवाइस है तो दोबारा वो हाई होता है और फिर से इस तरह से वर्ड बाय वर्ड पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर बहुत हाई स्पीड डिवाइस है तो वहां पे बस ट्रांसफर होगा यानी पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाएगा अगर बहुत स्लो डिवाइस उसके साथ अटैच्ड है तो साइकिल स्टीलिंग होगी तो उसमें क्या होगा एक वर्ड ट्रांसफर होगा उसके बाद दोबारा डीएमए रिक्वेस्ट की लाइन चेक करेगा वो और जो लो स्पीड जो डिवाइस है उसमें वो बहुत जल्दी दोबारा वो सिग्नल नहीं इनिशिएट होता तो उसमें क्या होता है फिर डीएमए जो है इंटरप्ट के माध्यम से सीपीयू को इंटरप्ट करता है जो बसेस का कंट्रोल है वो CPU के पास वापस चला जाता है CPU दोबारा अपना आ, काम करना शुरू कर देता है और फिर दोबारा जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफर करना होता है दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है दोबारा फिर CPU को बस रिक्वेस्ट भेजी जाती है फिर वो अपनी जो बसेस हैं उनको लिंक्वेस्ट करता है और बस ग्रांट करता है और फिर उसके बाद डीएमए कंट्रोलर एक्नोलॉज सिग्नल भेजता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइस फिर दोबारा दूसरा वर्ड ट्रांसफर करते हैं यह है साइकिल uh, और जैसे ही वर्ड काउंट रजिस्टर अगर जीरो हो जाए उसके बाद डीएमए कोई भी ट्रांसफर को स्टॉप कर देता है और जो बस रिक्वेस्ट थी उसे रिमूव कर देता है उसी के साथ साथ इस इंटरप्ट सिग्नल के माध्यम से सीपीयू को इंटरप्ट भी कर देता है जब सीपीयू को यह इंटरप्ट मिलता है वो वर्ड काउंट रजिस्टर को चेक करता है और अगर वर्ड काउंट रजिस्टर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब सारा का सारा वर्ड जो है वो ट्रांसफर हो चुका है मेमोरी में, में तो हमने इस लेक्चर में देखा कि किस प्रकार एक डीएमए काम करता है